हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी कि मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट तरह की कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात की है। कंप्यूटर में जो डिफरेंट तरह की मेमोरी यूज़ होती है उस पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। वो सारे लेक्चर वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। बेसिक प्रॉपर्टी, या आप ये कह सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो जहाँ तक मेमोरी की, किसी भी मेमोरी की हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो टर्म्स विच आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कॉम्परेटिव बिहेवियर ऑफ वेरियस मेमोरी डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वो टर्मिनोलॉजी या वो टर्म्स जो किसी भी मेमोरी, डिफरेंट तरह की मेमोरीज की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उसका बिहेवियर है, बिहेवियर और टेक्नोलॉजी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब कंप्यूटर की मेमोरी के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक टर्म जनरली यूज होती हैं वो होती हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जनरली पांच कैरेक्टरिस्टिक टर्म यूज होती हैं कंप्यूटर की मेमोरी को कैरेक्टराइज करने के लिए। जैसे फर्स्ट है आपका, पहला है स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। सेकंड है आपका एक्सेस मोड, एक्सेस मोड्स। थर्ड है एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। फोर्थ आप कह सकते हैं परमानेंस ऑफ स्टोरेज, परमानेंस ऑफ स्टोरेज। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हर एक टर्म को कि किसका क्या मतलब है। और फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो पांच टर्म होती हैं, पहला है आपका स्टोरेज कैपेसिटी, सेकंड है एक्सेस मोड, थर्ड है एक्सेस टाइम, फोर्थ है परमानेंस ऑफ स्टोरेज और फिफ्थ है फिजिकल करेक्टरिस्टिक। ये पांचों टर्म में यूज होती हैं किसी भी कंप्यूटर मेमोरी को करेक्टराइज करने के लिए। अब हम लोग पहली बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। तो देखिए स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइज ऑफ मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हो गया साइज ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी कितना डेटा स्टोर कर सकती है अपने पास। द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, अब जो साइज ऑफ मेमोरी है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उसको वर्ड्स की फॉर्म में कि भाई इस मेमोरी में 10,000 वर्ड्स स्टोर हो सकते हैं या इस मेमोरी में 1,00,000 वर्ड स्टोर, या तो वर्ड्स की फॉर्म में करें या फिर इसको हम और टेक्निकल उसमें डीप में आ जाए तो हम बाइट्स की फॉर्म में करें कि इस मेमोरी की कैपेसिटी 1 TB है, इसकी 10 TB है, इसकी 2 GB है। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो एक डालूंगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको सारे जो यूनिट है मेमोरी के, निबिल है, बाइट है, आपका मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है, वो सारा मैं एक वीडियो में डाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहला जो है स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि मेमोरी का साइज कितना है, चाहे आप उसको वर्ड्स में, मान लीजिए आपने कहा कि साहब 100K वर्ड्स इस मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं, या हम उसको बाइट्स में, हमने कहा मान लीजिए 1 TB यानी 1 TB इतनी मेमोरी उसके अंदर स्टोर हो सकती है।
टेराबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट करके उसको आप देख लीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो ही होगी, तो उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो पहला हो गया स्टोरेज कैपेसिटी, सेकेंड आप आ जाइए एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब होता है कि मेमोरी से जो हम डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह कर सकते हैं। ए मेमोरी इज डीम्ड टू बी कॉम्प्राइज वेरियस मेमोरी लोकेशंस, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस रैंडमली, सिक्वेंशली एंड डायरेक्टली। यानी एक्सेस मोड का मतलब ये हुआ, एक्सेस मोड का मतलब ये हुआ कि जो हम इससे डेटा ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो हम रैंडमली निकाल सकते हैं, रैंडमली, सिक्वेंशियली मतलब सीरियली, सिक्वेंशियली, और तीसरा वो कह रहा है डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ कि उसने ये कहा कि देखिए कोई भी मेमोरी लोकेशन है, मान लीजिए ये एक मेमोरी है, तो ये एक मेमोरी कई मेमोरी लोकेशंस में डिवाइडेड रहती है, ये पूरी मेमोरी कई मेमोरी लोकेशन में, इस तरह छोटे छोटे लोकेशंस में डिवाइडेड होती है, पहली चीज। और हर लोकेशन का, मान लीजिए इसका हर लोकेशन का, मान लीजिए एक एड्रेस होता है, जैसे हमने कहा इसका एड्रेस 0010 है, सपोज कीजिए, फिर हमने कहा इसका, तो इसका हमने कहा साहब 0100 है, ठीक, फिर हमने कहा इसका, इसका हमने कहा मान लीजिए से 1000 है, इस तरह। तो अलग अलग जो मेमोरी लोकेशन होते हैं, ठीक, वहां से जो डाटा आपको स्टोर करना होता है वो हम रैंडमली, मतलब रैंडमली हमने कहीं से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, हम डाटा चाहे तो रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक, ये तो हो गया रैंडमली। सेकेंड क्या है, सिक्वेंशली। सिक्वेंशली का मतलब ये हुआ कि एक मेमोरी लोकेशन के बाद जो उससे एडजेसेंट दूसरी मेमोरी लोकेशन है, मान लीजिए आपने डाटा यहां से निकाला, ठीक, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आएगा, मान लीजिए एक डाटा आपने यहां से निकाला, तो जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो यहां से निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो यहां से निकलेगा, तो ये इस तरह का, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो यहां से निकलेगा, तो इस तरह आप सिक्वेंशली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और डायरेक्टली का मतलब ये हुआ कि हमको किसी पर्टिकुलर लोकेशन का डाटा चाहिए, मान लीजिए अब कोई डाटा यहाँ पे स्टोर है इस जगह पे, और हमको डायरेक्टली यही डाटा चाहिए, तो उस तरह के एक्सेस को कहते हैं डायरेक्टली। तो एक्सेस मोड का मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी है हमारी, उसमें हम डाटा किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं, सिक्वेंशली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, केवल ये दो, या केवल ये दो, या ये तीनों, इस पे डिपेंड करता है एक्सेस मोड पे कि जो मेमोरी हम यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस मोड कैसा है, ठीक। अब आ जाइए थर्ड, थर्ड है हमारा एक्सेस टाइम, ठीक है, थर्ड जो है हमारा, थर्ड है एक्सेस टाइम, ठीक। एक्सेस टाइम का मतलब ये हुआ कि जो हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, द एक्सेस टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड्स फॉर ए रीड और राइट ऑपरेशन टिल द डेटा इज मेड अवेलेबल और रिटेन एट द डिजायर्ड लोकेशन। देखिए फिर लोकेशन पे आप आ जाइए, मतलब हमने कहा कि ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी है, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, अभी जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाटा रीड करना है या राइट करना है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाटा रीड या राइट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम, कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डाटा रीड या राइट करने में जितना टाइम लगता है। जैसे यहां पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, यहां पे डाटा रीड और राइट करने में जो टाइम लगेगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा, यहां पे जो रीड और राइट करने में टाइम लगेगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा, यहां पे जो रीड और राइट करने में लगेगा वो एक्सेस टाइम कहलाएगा,
तो ये थर्ड हो गया आपका एक्सेस टाइम, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ है आपका परमानेंस ऑफ स्टोरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंस ऑफ स्टोरेज। इसका क्या मतलब हुआ भाई, परमानेंस का मतलब आपको पता है, स्थाई मतलब जो डाटा हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया है, जो स्टोर डेटा है वो कितनी देर तक रहेगा। तो परमानेंस, अगर परमानेंस ऑफ स्टोरेज जो है हाई होगा भाई, अगर ज़्यादा देर तक डाटा रहेगा उसके अंदर, तो इसका मतलब वो मेमोरी उतनी अच्छी होगी। और जनरली हाई परमानेंस किस में होता है, जो मैग्नेटिक मेमोरीज होती हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें परमानेंस ऑफ स्टोरेज हाई होता है, ठीक। और लास्ट जो है आपका, लास्ट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका फिजिकल जो डायमेंशंस है वो कैसा है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं इसको कि चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। पहला एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। दूसरा है जो अभी हम लोगों ने बात की थी, मैग्नेटिक, ठीक। तीसरा है मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है। और चौथा है आपका ऑप्टिकल, ठीक है। तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है मेमोरी की, वो ये चार, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, मैग्नेटिक हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, ऑप्टिकल हो सकती है, क्लियर। तो ये चार तरह के कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कि बेसिकली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, किसी मेमोरी को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।